हेलो फ्रेंड्स, मैं बताऊंगा आप लोगों को आज कि आप लोग जो दिल्ली सरकार के दिल्ली गवर्नमेंट का पोर्टल है उस पर आप जॉब फेयर में रजिस्ट्रेशन किस तरह कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास जो लिंक है उस लिंक को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग आसानी से उस पोर्टल के रजिस्ट्रेशन पेज पर पहुँच पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं यहाँ पर देखिए, ओ सॉरी, गूगल क्रोम पर आऊँगा फ्रेंड्स, और उस लिंक को फ्रेंड्स मैं यहाँ डाल दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो मेरे सामने ये पेज अपने आप खुल गया है। देखिए थोड़ा इसमें फिर टाइम लेने लगा है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप माइंड मत करिएगा इसका। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे सामने ये पेज खुल के आ गया है और उस पर ये देखिए जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या है, आपको अपना नाम लिखना है, जैसा कि आप लोगों के एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स पे लिखा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर नाम लिखे ले रहा हूँ, शिवांग। ठीक है फ्रेंड्स, फिर क्या है, आपको यहाँ पर अपना लास्ट नेम लिखना है, मिश्रा। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करना है, यहाँ पर हमको मदर नेम डालना है। फ्रेंड्स मदर नेम आपको डालना है, मैंने डाल लिया फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आपको इधर का ये पोर्शन मैं अभी आपको बाद में करके दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर आपको देखना है कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हैं। मैं जनरल में आता हूँ फ्रेंड्स, मैरिटल स्टेटस है अनमैरिड। ठीक है, आइडेंटिटी के लिए मैं दे सकता हूँ पैन कार्ड का नंबर। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ एड्रेस दे देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना होगा फ्रेंड्स, इस जगह देखिए आपको डिस्ट्रिक्ट लेना होगा। मैं एक मिनट आपको, ये पोर्टल क्या है ना फ्रेंड्स, थोड़ा सॉफ्ट इस पे काम करता है। यहाँ पर चलिए आप देख ले, दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपको फादर नेम भरना है, विजेंद्र कुमार। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। डाल दी फ्रेंड्स, यहाँ आपको अपना जेंडर डालना होगा, या रिलीजन आप हिंदू हैं या मोमडन हैं, जो भी है आपको डालना होगा। यहाँ आइडेंटिटी नंबर डालना होगा फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, आइडेंटिटी नंबर में आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है। यहाँ फ्रेंड्स आपको ये देखिए, यहाँ नंबर, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आपको अपना नंबर डालना है। यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है फ्रेंड्स, यहाँ आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। ठीक है, ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ आपको अपना जो एरिया का पिन है उस पिन को डाल देना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ आप पिन डाल देंगे, स्टेट आपका दिल्ली हो गया और साउथ वेस्ट आ गया, देखिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अगला फ्रेंड्स हमारा आता है क्वालिफिकेशन का, और फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या है कि बढ़े हुए क्रम से घटते हुए क्रम में आना है। जैसे अगर आपने बीएड किया है तो आपको बीएड, फिर ये एमए, और भी आपका बीए, 12th, 10th। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह आपको आना है, जैसे 12th से 10th आना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, मैं अपनी क्वालिफिकेशन डाल दे रहा हूँ, 12th की क्वालिफिकेशन है, बोर्ड था CBSE। ठीक है, ईयर था 19,
रिलीजियंस में मार्क्स मेरे थे 88% लगभग थे। फ्रेंड्स स्पेशलिस्ट में आप यहाँ देखिए, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपने स्पेशलिस्ट देखना है कि आप क्या कर लेते हैं, आपका क्या किस चीज़ में आपका हुनर है, आप किस चीज़ में स्पेशल हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। मैं यहाँ हिंदी डाल दे रहा हूँ, टाइप में रेगुलर डालना है आपको कोर्स का जो टाइप होगा आपका। अब इसके साथ फ्रेंड्स आपको मैं अपना 10th का डाल दे रहा हूँ, सेम वही CBSE का बोर्ड है, सत्रह में मेरे इसमें आए थे फ्रेंड्स 66, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ भी आपको वही हिंदी डाल देना है, आप ह्यूमैनिटीज भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, वैसे आप यहाँ हिंदी डालिए। ये हिंदी देखिए यहाँ आपको अपने हिसाब से डालना होगा जो स्पेशलाइजेशन है आपका, और आपको रेगुलर ही डालना है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी इस डिटेल को अब मैं छोड़ता हूँ, बाकी आगे आपके, ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको भर सकते हैं। अब आते हैं प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के लिए। यहाँ देखिए नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का पोस्ट हेड, आप जिस पोस्ट पे थे, और आप मान लीजिए पोस्ट आप CA थे या फिर मैनेजर थे, आपको यहाँ CA या फिर मैनेजर का करना होगा। यहाँ आपको कब से थे और यहाँ कब तक थे की डिटेल डालनी होगी, ठीक है। इंडस्ट्री टाइप क्या थी, ये एयर कंडीशनर थी या फिर इसमें काफ़ी सारी है फ्रेंड्स, टायर का काम था, इसमें क्या था आपका। सैलरी आपकी पर मंथ क्या थी फ्रेंड्स, सैलरी आपकी पर मंथ क्या थी, मतलब जैसे 17,000 रुपये या फिर मान लीजिए 25,000 रुपये, जो भी आपकी सैलरी थी आपको वो डालनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। आपको इतनी बात समझ में आई फ्रेंड्स। अब आइए अगला आपको यहाँ भरना है, यहाँ आपकी लैंग्वेज का आप हिंदी चूज़ कर लीजिए, इंग्लिश चूज़ कर लीजिए, ओके फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर क्या स्किल इंफॉर्मेशन, यहाँ आपको स्किल में डालना होगा फ्रेंड्स, आप अपनी स्किल डाल सकते हैं जो भी आप स्किल थी आपकी, ठीक है ना, आपकी स्किल है, ओके फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको डालना होगा कि आप फ्रेशर हैं या फिर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, एक्सपीरियंस है तो आपको कितने का है, और बाकी आप फ्रेशर यहाँ डाल सकते हैं, फ्रेशर हैं। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप हैं तो यस, नहीं है तो कोई बात नहीं, नो कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ आपको डालनी है अपनी हाइट, 5'3" या 6 फुट, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ आप अपनी हाइट डाल पाएंगे, आपको इतनी बात समझ में आई। और बाकी आप करेक्टेड कलर ब्लाइंडनेस या आपके आई साइड का है नॉर्मल आप कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई वैसा सर्टिफिकेट नहीं है। यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर देना है फ्रेंड्स, एक्सेप्ट करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ। हाँ फ्रेंड्स आपको मैं बता दूँ, इसका आइकन थोड़ा छोटा है लेकिन फिर भी ये फिज़िकल फिटनेस के लिए है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको सही का निशान लगा देना है, ठीक है फ्रेंड्स। सही का निशान लगाने के साथ साथ आपको ये देखिए सबमिट का बटन नज़र आ गया होगा, इस सबमिट के बटन पे आपको टिक करना होगा। यहाँ आपको सबमिट का बटन आप टिक कर देंगे फ्रेंड्स, आपको एक रेफरेंस आईडी मिल जाएगी फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूँ, यहाँ आपको रेफरेंस आईडी मिल जाएगी। उस रेफरेंस आईडी पर क्या होगा कि आप उसको ट्रैक कर पाएंगे, और बाकी आप को आपको सरकारी नौकरी या फिर आप प्राइवेट जॉब करेंगे तो उसके लिए भी आपको जॉब सीकर्स का रजिस्ट्रेशन काफ़ी काम आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पर कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है, और यहाँ
इस साइट पोर्टल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप लोग इस चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।